गणपति बाप्पा मोरया। मैं तो बहुत मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे पहले बप्पा हैं मेरे घर पे। मैंने सिर्फ लोगों के घर गई हूँ, मैंने दर्शन किए हैं, लेकिन जब अपने घर अपने बप्पा लेकर आते हो अपनी पसंद से, जो एक नज़र में प्यार हो जाता है जिसे बोलते हैं, मुझे वो इनसे हो गया था और आप भी देखेंगे तो आपको भी प्यार हो जाएगा इनसे। तो मुझे तो इतनी पॉजिटिविटी लग रही है, आई जस्ट कांट टेल कि मैं पहली बार ला रही हूँ, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है। मतलब जैसे मेरे घर में बहुत टाइम से बैठे हैं, बस मैं जब लेकर आई थी इनको कि कब मैं इनका घूंघट खोलूंगी मॉर्निंग में, क्योंकि मैं रात में शूट से वापस आके, रात में आई थिंक 12:30 बज रहे थे जब मेरा शूट पैकअप हुआ था, तो मैं वहाँ से ही आई थी डायरेक्ट। तो इनको मैं लेके आई हूँ और फिर मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग इनको ओपन किया है और देखते ही बस। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम मेरा डिसाइड हुआ था कि मैं लेकर आऊँगी, लेकिन होता है ना कि जब भगवान चाहेंगे आप तभी लेकर आ पाओगे। तो मैंने लास्ट टाइम डिसाइड किया था कि मैं लेकर आऊँगी, पर पता नहीं एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई, एक तो टाइम नहीं बचा था और इनके लिए बहुत प्रिपरेशन चाहिए, कि मुझे था कि मैं रखूँगी तो दिल से रखूँगी और पूरा इनको खुश करूँगी अच्छे से, जो इनकी सेवा होगी मैं वो सब कुछ करूँगी जो मुझे नहीं पता था। मैंने अपने सेट पे पूछा जो बहुत सालों से रख रहे हैं, 25-25 साल से, तो मैंने वो पूछते पूछते मैंने ये सब किया है। तो इस साल मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है, जब मेरे दिमाग में पप्पा ने डाला कि अब मैं आपके घर आना चाहता हूँ, तो वो आ गए मेरे घर। अब बड़े मैंने सोचा था पहले मैं छोटे, क्योंकि मैं पहली बार रख रही हूँ, तो सब ने मुझे कहा था कि पहली बार जब आप रखते हो तो बाल गणपति रखने चाहिए, कि बच्चे होते हैं अगर आपसे कुछ गलती हो भी जाए तो आपको माफ़ कर दे तो मुझे वो डर था कि मैं पहली बार ला रही हूँ, प्लीज़ मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। मैंने जितना अपने मैं सब इनसे माफ़ी मांग रही हूँ सुबह से कि कुछ मुझसे हो गया हो, मुझे नहीं पता हो, अनजाने में हो जाता है, तो बच्चे समझ के माफ़ कर दीजिए, आप भी बच्चे ही हैं तो बस मैंने यही सोच के मैंने छोटे से, बहुत क्यूट है, मतलब मुझे देखते ही हुआ था। एक मैं पहली शॉप पे गई थी जब मुझे वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन वो बुक हो चुके थे। फिर मैं सेकंड शॉप पे गई, फिर मैं थर्ड शॉप पे गई, 3-4 शॉप देखी, तब मुझे ये मिले। तो बस ये इसीलिए मैंने इन्होंने छोटे से गणपति मैंने चुने। यस, मैंने खुद से किए हैं। मैं जब मेरा मैं डायरेक्टर सर को भी कह रही थी कि प्लीज़ मुझे जल्दी छोड़ दो, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, मैंने ये तक फाइनलाइज़ नहीं किए थे, मैंने किसी को भेज के ये फाइनलाइज़ करवाए, फिर मैंने ये सब मेरे पास पड़े थे, मैंने पहले से जिस दिन मेरा जल्दी पैकअप हुआ था उस दिन मैंने ये लिए थे। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें ये आपके पास, मैंने ये फटाफट ऑनलाइन बुकिंग करी जो भी था, लेकिन सारी डेकोरेशन मैं आपको बता रही हूँ जब जिस दिन बप्पा आए हैं उसी दिन किया है, उससे पहले मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था और ना किसी ने दिया था तो तब मैंने ये सब किया। और जो जो भी आ रहे हैं सबको अच्छा लग रहा है कि इतने कम टाइम में मैंने डेकोरेशन एटलीस्ट कर लिया, कि देख के अच्छा लगे और एक पॉजिटिव वाइब आए। मेरा रिश्ता मैं सच बताऊँ तो बप्पा के पापा के साथ ज़्यादा है, जो कि शिव जी की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं बहुत सालों से हर मंडे फास्ट रखती हूँ और शायद बप्पा मतलब शिव जी ने ही चाहा होगा कि अब मेरे बेटे को भी किया जाए तो मैंने मतलब मैं मुझे पसंद तो बप्पा ऑलरेडी है, मैं सिद्धि विनायक भी जाती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, ट्यूसडे हो या सैटरडे, जब भी मेरे को लगता है तो मैं जाती हूँ। लेकिन इस साल से मुझे लगता है एक स्पेशल कनेक्शन मेरा अब गणपति के साथ हो गया है। पहले इतना शायद मैं नहीं बोलूँगी नहीं था, लेकिन एक होता है ना, एक क्लिक होता है, जैसे कि मेरे ये जो शिव जी हैं उनके साथ हुआ था बहुत साल पहले, और अभी तक मैं उनको बहुत दिल से मानती हूँ, जो भी चीज़ें होती हैं मैं उन्हीं से शेयर करती हूँ, और अगर कुछ परेशानी भी होती है तो वो चुपचाप एकदम झटके से हल भी कर देते हैं। तो अब मैं बप्पा के साथ हूँ। बप्पा ने सबसे बड़ी हेल्प तो यही कर दी है कि वो इस बार मेरे घर आ गए हैं, ये सबसे बड़ी मुझे लगता है मुझे अचीवमेंट है, क्योंकि इतने साल से अगर आप 4-5 साल से मुंबई रह रहे हो और आपके दिमाग में आ गया है, दैट मीन्स आपका उनका आशीर्वाद अब आपके सर पे है, तभी आप अपने घर पे गणपति जी रख सकते हो। तो मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो अब इनका प्यार मिल गया है तो अब तो साथ बना रहेगा सालों साल। अब मैं कोशिश करने वाली हूँ, कोशिश नहीं आई थिंक करूँगी ही करूँगी, कि अब जब तक मैं यहाँ हूँ या लॉन्ग लास्टिंग मैं अब हर साल, आज से मैंने तो शुरुआत कर दी है, अब हर साल करने वाली हूँ। वो मैं बहुत मैं एक्चुअली इस बार ढोल वालों को मैं कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पाई हूँ, मेरे पास बहुत सारी मिसिंग चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैंने बोला है कि जब मैं इनका विसर्जन करूँगी, जो मैं नहीं बोलना चाहती बट एक रीत है कि करना ही पड़ता है, वरना मैं कभी अपने पापा को अपने घर से ना जाने दूँ, तो मैं उस टाइम पर ढोल नगाड़े का मैं करूँगी, क्योंकि मुझे अब एटलीस्ट 1-2 दिन का टाइम मिल गया है शूट से, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। तो मैं अब इनको बहुत धूमधाम से इनकी
विदाई करूंगी। आप सभी को मेरी तरफ से, अनुपमा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो आप सबको मेरी तरफ से गणपति बाप्पा मोरया।